बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 का सर्कल ड्रा किया है। यहाँ पे रेडियस है आर इज इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला राइट करेंगे पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं 22/7। आर स्क्वेयर रेडियस की यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वेयर यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का स्क्वेयर लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे राइट करेंगे 2.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7। मल्टीप्लाई 2.8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 2.8 को मल्टीप्लाई किया है 2.8 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 7.84। यहाँ पे राइट करेंगे 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 7.84 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू आई है 172.48। यहाँ पे राइट करेंगे 172.48 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 पे। 172.48 को डिवाइड करेंगे 7 पे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 172.48 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 24.64। तो यहाँ पे राइट करेंगे 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 2, यहाँ पे सर्कल ड्रा किया है। रेडियस यहाँ पे गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7। एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर रेडियस। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 सेंटीमीटर के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 सेंटीमीटर के साथ आर स्क्वेयर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 4.2 को मल्टीप्लाई किया है 4.2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 17.64। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 17.64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 17.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 17.64 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 388.08। यहाँ पे राइट करेंगे 388.08 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करेंगे इस 7 के साथ। 388.08 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 388.08 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 55.44। यहाँ पे राइट करेंगे 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे सर्कल ड्रा किया है। यहाँ पे रेडियस गिवन है आर इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7। एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर।
यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 सेंटीमीटर के साथ। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 5.6 को मल्टीप्लाई किया है 5.6 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 31.36। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 31.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में 31.36 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 689.92। यहाँ पे राइट करेंगे 689.92 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में 689.92 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 98.56। यहाँ पे राइट करेंगे 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे सर्कल की डायग्राम ड्रा है, रेडियस की वैल्यू है 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 8.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट करेंगे ए इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7। एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 8.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8.4 सेंटीमीटर इनटू ब्रैकेट, 8.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में 8.4 को मल्टीप्लाई किया है 8.4 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 70.56। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 70.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70.56 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में 70.56 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1552.32। यहाँ पे राइट करेंगे 1552.32 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में मैंने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 221.76। यहाँ पे राइट करेंगे 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 5, यहाँ पे सर्कल ड्रा किया है, रेडियस गिवन है आर इज इक्वल 9.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 9.1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला राइट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर है यहाँ पे 9.1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 सेंटीमीटर के साथ। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 के साथ। वर्किंग में मैंने 9.1 को मल्टीप्लाई किया है 9.1 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 82.81। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे 82.81 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ, 82.81 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 82.81 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1821.82। यहाँ पे राइट करेंगे 1821.82 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1821.82 को 7 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 260.26। यहाँ पे राइट करेंगे 260.26 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 260.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे पार्ट नंबर 6 का सर्कल ड्रा किया है, रेडियस इज इक्वल है 12.6 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 12.6 सेंटीमीटर,
एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं 22/7। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला राइट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर। रेडियस है यहाँ पे 12.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 12.6 सेंटीमीटर के साथ। 12.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.6 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 12.6 को मल्टीप्लाई किया है 12.6 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 158.76। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 158.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। 158.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 158.76 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3492.72। यहाँ पे राइट करेंगे 3492.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 3492.72 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 498.96। यहाँ पे राइट करेंगे 498.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 498.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 31.43 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है 31.43 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 31.43 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7 बाई यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे सर्कमफेरेंस का, सी इज इक्वल टू पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सी की वैल्यू गिवन है 31.43 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 31.43 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, जैसे कि हम जानते हैं 22/7, मल्टीप्लाई आर हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 31.43 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 के साथ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 के साथ इज इक्वल आर। 31.43 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 31.43 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 220.01। यहाँ पे राइट करेंगे 220.01, डिवाइड करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 44 सेंटीमीटर इज इक्वल आर। 220.01 को डिवाइड करेंगे 44 के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल आर, आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला राइट करेंगे पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर के साथ, स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 550। ये मैंने मल्टीप्लाई वर्किंग में किया है। यहाँ पे राइट करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे वर्किंग में 550 को 7 पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 78.57। यहाँ पे राइट करेंगे 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6.3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
रेडियस गिवन है 6.3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल 6.3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे सी इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट फाइव इज इक्वल 22/7, अब यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला राइट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू गिवन है 6.3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 सेंटीमीटर के साथ स्क्वेयर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 के साथ, यहाँ पे मैंने 6.3 को मल्टीप्लाई किया है 6.3 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 39.69। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 39.69 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 39.69 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 39.69 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 873.18। यहाँ पे राइट करेंगे 873.18 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय 7, अब यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे वर्किंग में 873.18 को 7 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 124.74, यहाँ पे राइट करेंगे 124.74 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट कर लिया 124.74 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2πr, यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 6.3 सेंटीमीटर, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में 44 को 6.3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू आई है 277.2, यहाँ पे राइट करेंगे 277.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7, 277.2 को डिवाइड करेंगे 7 पे, यहाँ पे वर्किंग में 277.2 को डिवाइड किया 7 पे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 39.6, यहाँ पे राइट करेंगे 39.6 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 39.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल है 124.74 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 39.6 सेंटीमीटर, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 26.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 26.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7, अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू राइट करेंगे 26.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे राइट करेंगे आर, यहाँ पे राइट करेंगे 26.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 के साथ इज इक्वल आर, 26.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, वर्किंग में 26.4 को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 184.8, यहाँ पे राइट करेंगे 184.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 44 इज इक्वल आर, 184.8 को डिवाइड करेंगे 44 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में 184.8 को डिवाइड किया है 44 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 4.2, यहाँ पे राइट करेंगे आर इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 मल्टीप्लाई
आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्केयर फाइंड आउट करेंगे। 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर इनटू ब्रैकेट, 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में 4.2 को मल्टीप्लाई किया है 4.2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 17.64। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 17.64 को मल्टीप्लाई किया है वर्किंग में 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 388.08। यहाँ पे राइट करेंगे 388.08 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे वर्किंग में 388.08 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 55.44। तो यहाँ पे राइट करेंगे 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 38.5 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, सबसे पहले राइट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 38.5 मीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एज वी नो दैट पाई इज इक्वल 22/7। फार्मूला राइट करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 38.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, डिवाइड करेंगे इस 22 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है 22 इज इक्वल आर स्क्वायर। 38.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में 38.5 को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 269.5। यहाँ पे राइट करेंगे 269.5 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 22 इज इक्वल आर स्क्वायर। 269.5 को डिवाइड करेंगे 22 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में 269.5 को डिवाइड किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 12.25। यहाँ पे राइट करेंगे 12.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल 12.25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, आर स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से स्क्वायर ऑफ हो गया, रिमेनिंग वैल्यू आर 12.25 का वर्किंग में स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे वर्किंग में 12.25 का स्क्वायर रूट लिया है, यहाँ पे सबसे पहले पेयर में कन्वर्ट करेंगे 3 3 द 9, 12 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 3। 3 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। यहाँ पे कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 25। अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, 6 के साथ न्यू डिजिट लेंगे 5। 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 325, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे ये डिवियर मेथड से स्केयर रूट मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे आंसर आया है 3.5। यहाँ पे राइट करेंगे 3.5 मीटर, आर इज इक्वल 3.5 मीटर। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2πr। यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, अभी हमने फाइंड आउट किया 3.5 मीटर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो वैल्यू आएगी 44। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 154.0। यहाँ पे राइट करेंगे 154 मीटर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में 154 को 7 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे आंसर आया है 22। यहाँ पे राइट करेंगे 22 मीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 22 मीटर, इट इज़ आंसर।